आज हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड का बायोस को कैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग के पास एक डेवलॉनिक्स का मदरबोर्ड है, इसमें देखिए डिस्प्ले में अभी ये वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी मदरबोर्ड का बायोस को हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे। अब क्या होता है कि बहुत टाइम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बायोस करप्टेड रहता है, डिस्प्ले नो डिस्प्ले केस हो जाता है या फिर बोर्ड डेड हो जाता है, तो उस केस में हम लोग बायोस प्रोग्राम करते हैं। बट आज हम लोग देखेंगे कि एक लाइव बोर्ड है हम लोग के पास जो अभी फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। तो इस बोर्ड के ऊपर अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेम बायोस वर्जन हम लोग इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं या फिर कौन कौन सा वेबसाइट से ऐसे हम लोग को फ्री में बायोस मिल सकता है, तो उसी वेबसाइट से अभी हम लोग इसका बायोस को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसको फिर से हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। देखिए ये जेप्रॉनिक्स का मदरबोर्ड है, यहाँ पे मदरबोर्ड पे यहाँ पे इसका बायोस आईसी है। अभी का जितना भी मदरबोर्ड आ रहा है सारे देखिए क्या होता है कि बायोस आईसी जो रहेगा ना उसका साइज थोड़ा सा हम लोगों का स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, बाकी सारा क्या होता है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, लेकिन इसका जो शेप रहेगा ये हम लोगों का हमेशा स्क्वायर शेप में ही होता है। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, बायोस आईसी को रिमूव करेंगे, उसके बाद बायोस प्रोग्रामर के थ्रू इसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एसएमडी मशीन का। ठीक है, तो एसएमडी मशीन के थ्रू से अभी हम लोग इस आईसी को रिमूव करेंगे। अब क्या होता है कि हीट और आपका एयर वो मशीन टू मशीन हम लोगों का वैरी करता, तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर कुछ भी बता नहीं सकते। शायद किसी मशीन में हम लोग टेम्परेचर 350 डिग्री में रखते हैं उसमें भी हो जाता है, तो किसी में देखते हैं 380 या 400 तक भी लेके जाना पड़ता है। तो वो मशीन टू मशीन वैरी करता है, और एयर जो रहेगा वो भी मशीन टू मशीन वैरी करता है। तो इसके चलते क्या करते हैं हम लोग, एयर का जो प्रेशर रहता है जो फ्लो रहेगा ना वो हम लोग जनरली टेक्नीशियन में क्या करते हैं ना ऐसा हाथ पे थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं कि इतना प्रेशर हम लोग का काफ़ी है। और कोई भी आईसी निकालने से पहले चेक कर लीजिएगा उसका आसपास में अगर कोई पोलराइज कैपेसिटर होगा सिलिंड्रिकल शेप में, जैसे इस मदरबोर्ड में ऐसा है, अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे हीट रेजिस्टेंस टेप से उसको आइसोलेट कर लेंगे, वरना क्या होगा अगर ये सब कैपेसिटर पे हीट गिरेगा तो फटने का चांसेस रहता है। तो अभी देखिए हम लोगों का ब्लोअर लगभग गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग पेस्ट डालेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग पेस्ट देंगे, तो सोल्डरिंग पेस्ट देने से क्या होगा हम लोगों का सोल्डर जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा कि ये काफ़ी टाइम लगेगा और इसमें हम लोगों का बोर्ड का भी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हीट जैसे गिरेगा इसमें ये जो सोल्डर पॉइंट है ये सारा थोड़ा सा पिघलने लगेगा। तो जैसे पिघलेगा हम लोग इसको ट्वीजर की मदद से निकाल लेंगे। देखिए अभी ये निकल चुका है, अभी इसको हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके बाद ये आईसी निकाल लेने के बाद अभी हम लोग प्रोग्रामर में जाएंगे। अभी इसको कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे बायोस प्रोग्राम करने के लिए हम लोग को जो पुराना बायोस डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, फिर इस पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। बायोस को डाउनलोड करेंगे, तो मदरबोर्ड का बायोस को जब हम लोग डाउनलोड करेंगे उसके लिए क्या होता है कि हर एक मदरबोर्ड का एक सीरियल नंबर रहता है, एक मॉडल नंबर रहता है। जैसे ये जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड है, तो जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड का ज़्यादातर दिखेगा यहाँ पे जो PS2 पोर्ट रहता है इसका बगल में इसका मॉडल नंबर दिया हुआ रहता है, अगर गीगाबाइट का होगा, फ्रंटेक होगा, जिसे किसी का भी कंपनी का हो मेंशन किया जाता है। जैसे इस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है ZXL945LM, इसका वर्जन जो है 4.0। ठीक है, इसका हम लोग को बायोस सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए, तो हम लोग bios.bin, क्योंकि जो भी बायोस फाइल रहता है ना हम लोग का .bin फॉर्मेट में रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक लैबन करके वेबसाइट है, वहाँ पे इसका एक बायोस फाइल मिल रहा है मदरबोर्ड का, तो हम लोग पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट रहता है, तो हर एक वेबसाइट से जो हम लोग बायोस डाउनलोड करेंगे तो वो हमेशा जेन्युइन होगा या फिर वर्क करेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग को जब हम लोग बायोस प्रोग्राम करेंगे तो बायोस प्रोग्राम करने के टाइम में हम लोग का बोर्ड में जो पुराना बायोस है उसको हम पहले कॉपी करके रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये सॉफ्टवेयर को हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप में लेके चल जाता हूँ। इसके बाद यही वाला सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, ये जब भी हम लोग बायोस डाउनलोड करते हैं ना मैक्सिमम टाइम देखिएगा रैर फाइल में रहता है, तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद
यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे बायोस का साइज दिख रहा 1025 KB का, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो बायोस को आईसी को रिमूव किया था, तो अभी हम लोग के पास जो प्रोग्रामर है वो है मिनी प्रो प्रोग्रामर है। तो इसी प्रोग्रामर के थ्रू में इसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो इसको पहले हम लोग आईसी को बायोस प्रोग्रामर में फिट किए हैं, उसके बाद इसको अभी हम लोग इसके जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हम लोग का है मिनी प्रो प्रोग्रामर, यहाँ पे मिनी प्रो प्रोग्रामर को हम लोग रन करेंगे। रन कराने के बाद यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है, पहले हम लोग को आईसी को डिटेक्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट में 25 फ्लैश डिटेक्ट, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया है डिटेक्ट। जैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट दिखा देगा। ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपने आप में यहाँ पे जो आईसी है उसको डिटेक्ट कराने के बाद उसको जो जो सजेशन में आता है वो सारा आईसी का लिस्ट यहाँ पे दे देता है। तो इसी में से हम किसी एक को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो बायोस आईसी में पुराना प्रोग्राम है पहले हम लोग उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे रीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस आईसी में जो भी प्रोग्राम है पहले उसको हम लोग रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद जो पुराना बायोस फाइल है पहले उसको हम लोग कॉपी करके रख लेंगे। बहुत टाइम में क्या होता है, हम लोग इंटरनेट से जो भी बायोस फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि वो फाइल प्रॉपर नहीं रहता है, तो उस केस में क्या होता है मेरा मदरबोर्ड डेड भी हो सकता है। तो जैसे अभी यहाँ पे हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम सिलेक्ट कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का ये प्रोग्राम दिख रहा है इस आईसी में क्या प्रोग्राम है। उसके बाद इसको हम फाइल में जाके सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बायोस फाइल था जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसी पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं, हम लोग जो पुराना बायोस उसको हम ओल्ड नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, अभी इस फोल्डर को ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग पहले डाउनलोड किए थे एक वो वाला फाइल है, और अभी हम लोग जो ओल्ड करके सेव किए हैं मतलब एग्जिस्टिंग बोर्ड का जो फाइल था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पुराना बायोस को सेव कर लिए हैं, इसके बाद इसमें जो प्रोग्राम है उसको जाके हम लोग डिलीट करेंगे। तो डिवाइस में जाके यहाँ पे देखिए इरेज का ऑप्शन है, इरेज में जाके इसको इरेज करना है। तो इरेज करेंगे तो क्या होगा कि इस हम लोग का रोम में जो भी पुराना बायोस है वो पहले डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इरेज सक्सेसफुल दिखा दिया, मतलब यहाँ से अब ये इरेज हो गया। इसके बाद हम लोग जो नया फाइल डाउनलोड किए हैं उसको इसमें राइट करेंगे। तो पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ओपन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बोर्ड का मॉडल नंबर दिख रहा है, ये वाला फाइल हम लोग अभी डाउनलोड किए हैं। तो इसको अभी हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पे राइट करेंगे। तो डिवाइस में जाके देखिए यहाँ पे प्रोग्राम करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिवाइस में जाके इसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अब क्या हुआ कि हम लोग नया जो बायोस फाइल डाउनलोड किए थे वो अभी यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कभी भी कुछ भी एरर रहता ना तो यहाँ पे एरर दिखा देता है। वो आपका डिपेंड करेगा बायोस प्रोग्रामर के ऊपर में, अभी जितना भी प्रोग्रामर आ रहा सारा स्मार्ट प्रोग्रामर है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बायोस फाइल में उनका कुछ भी दिक्कत रहेगा, आईसी में दिक्कत रहेगा, तो यहाँ पे वो एरर शो कर देता है। देखिए अभी ये यहाँ पे पूरा बायोस प्रोग्राम का फाइल जो भी है सारे यहाँ पे अभी राइट हो रहा है। ये राइट हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, इसी आईसी को हम लोग लेके जाके मदरबोर्ड में फिर से इसको सोल्डर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल दिखा दिया है, तो मतलब यहाँ पे मेरा इस आईसी में मेरा अभी नया जो हम लोग बायोस फाइल डाउनलोड किए थे वो प्रोग्राम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। अभी देखिए इस आईसी को अभी हम लोग बोर्ड से यहाँ से निकाले थे, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे हम लोग फिर से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद फिर से इसको हम लोग ऑन करके देखेंगे कि ये पहले जैसा वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो जब कभी भी आप लोग बायोस डाउनलोड कीजिएगा, अगर वो राइट करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको एक फाइनल बायोस करके सेव करके रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत टाइम हम लोग जो डाउनलोड करते हैं बायोस फाइल वो मे भी हो सकता है कि करप्टेड रहे, या फिर ऑनलाइन से हम लोग को जो मिल रहा है हमेशा वो काम करेगा ऐसा कोई सियोरिटी नहीं है। तो इसलिए आप एक बार बायोस प्रोग्राम करने के बाद जो वाला प्रोग्राम आपके पास सक्सेसफुल हो रहा है, आप उसके अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक हमेशा कोशिश कीजिएगा फाइनल बायोस का एक बैकअप बना के रखने के लिए। उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास सेम बोर्ड आएगा ना, तो आपके पास वो बायोस पहले से अवेलेबल होगा और आपको सुविधा भी होगा कि हमेशा आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
और आपके पास जो बायोस रहेगा वो आपके पास टेस्टेड बायोस रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी बायोस को डाउनलोड कीजिएगा तो उसको टेस्टेड हो जाएगा तो सुविधा होगा। ठीक है, अभी हम लोगों का ये बायोस आईसी हम लोगों ने फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने के बाद इसको कुछ देर तक वेट करेंगे, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम लोग ऑन करके चेक करेंगे, क्योंकि अगर इस ऑन कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों का बोर्ड का इंटरनल जो ट्रैक रहता है बहुत समय क्या होता है अंदर से फूल जाता है। तो क्या होगा, अगर ये फूला हुआ रहेगा तो मे बी इंटरनल ट्रैक शॉर्ट हो गया होगा, तो उस केस में अगर हम लोग ऑन कर देते हैं तो हम लोग का बोर्ड डेड हो जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, जैसे बोर्ड ठंडा होगा तो फिर हम लोग इसको ऑन करके चेक करेंगे। अभी हम लोगों का बोर्ड लगभग ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको हम लोग SMPS के साथ कनेक्ट करते हैं और ऑन करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए बोर्ड ऑन हो गया, हम लोग जो नया प्रोग्राम किए थे अभी वो हम लोगों का सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अभी हार्ड डिस्क लगा हुआ नहीं है इसलिए बूट डिवाइस फेलियर का एरर मैसेज आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग एक बोर्ड का हम लोग बायस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बायस प्रोग्राम करते टाइम हम लोग याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग पुराना बायस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे। मदरबोर्ड में पहले से जो बायस फाइल प्रोग्राम किया हुआ रहेगा पहले उसका हम लोग बैकअप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नया फाइल डाउनलोड करके उसको हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे।